टेंथ क्लास के आला बच्चों बच्चों आज हम होम इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 10 लिबास बनाना इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 ड्राफ्ट से पैटर्न बनाने से क्या मुराद है, इस सवाल का जवाब सफ़र नंबर 42 पर है। इस सवाल का जवाब पेज नंबर 42 पर है। यहाँ से ड्राफ्ट से पैटर्न बनाना, जिसम का सही नाप लेने और फार्मूले के मुताबिक ड्राफ्ट के लिए हिसाब करने के बाद जो बुनियादी ड्राफ्ट बनाया जाता है इसमें डिज़ाइन के मुताबिक तब्दीलियां करके पैटर्न बनाया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल नंबर 5 का जवाब है। इसके बाद सवाल नंबर 6 शख्सियत के मुताबिक लिबास के इंतखाब करते वक्त किन असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, इस सवाल का जवाब सफ़र नंबर 45 पर है। शख्सियत की अकसाम के मुताबिक लिबास के डिज़ाइन का इंतखाब करने, इस सवाल का जवाब अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने और खामियों को दूर करने के लिए लिबास का इंतखाब करते वक्त 10 असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये असूल दिए हुए हैं, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद सवाल नंबर 7 बुनियादी रंग कौन कौन से हैं, इस सवाल का जवाब सफ़र नंबर 47 पर है। सवाल नंबर 7 का जवाब बुनियादी रंग सुर्ख, नीला और पीला है, ये सवाल नंबर 7 का जवाब है बच्चों। सवाल नंबर 5, 6, 7 आपने अच्छी तरह याद करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन।